पति को करोड़पति बनाने के नीम के उपाय एक बार जरूर सुने। घर की स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, खास तौर पर पत्नी का अपने पति की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए पति की तरक्की के लिए बीवी द्वारा किए गए ये टोटके बहुत कारगर साबित होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 10 उपायों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, यदि आपके पति को कारोबार में नुकसान हो रहा है, वह नौकरी में कुछ समस्या आ रही है, तो पत्नी को नीम का उपाय करना चाहिए। इसके तहत 3 नीम की पत्तियों को हाथ में लेकर अपनी कुल देवी का नाम 108 बार जपें। अब इन पत्तियों को देवी के चरणों से छुआकर अपने पति की जेब में रख दें। ऐसा करने से धन की समस्या दूर हो जाएगी और पति रातों रात करोड़पति बन जाएगा। नंबर 2, यदि पति को किसी की बुरी नज़र लग गई है जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, साथ ही तरक्की के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, तो पत्नी को शुक्रवार के दिन कुल देवी की मूर्ति व तस्वीर के सामने घी का एक दीपक जलाना चाहिए। अब इस दीपक को देखते हुए देवी माँ का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का 51 व 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने पर नकारात्मकता दूर हो जाएगी। नंबर 3, अगर पति ज़्यादातर वक्त परेशान रहे और बातचीत ना करे, तो पत्नी को रोज़ सुबह स्नान के बाद घर की दहलीज को धोना चाहिए। इसे धोने के लिए पानी में थोड़ा दूध मिला लें। ऐसा नियमित तौर पर करने से पति पर हावी बुरी बला टल जाएगी। नंबर 4, पति की सफलता एवं धन धान्य में वृद्धि के लिए पत्नी को रोजाना व सप्ताह में 2 से 3 बार गाय को एक आटे की लोई जरूर खिलानी चाहिए। यदि ये संभव ना हो, तो आप महीने में एक बार काली गाय को सफ़ेद ज्वार खिलाएं। ज्वार की मात्रा उतनी हो जितना आपका वजन। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। नंबर 5, पति के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान भेंट करें। यदि कोई विवाहित महिला आपके घर आती है, तो उसे बिना कुछ खिलाए ना जाने दें। कुछ संभव ना हो तो पानी या शरबत जरूर पिलाएं। नंबर 6, घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए रात को कभी भी झूठे बर्तन ना रखें। ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती है। यदि आप किसी कारणवश बर्तन नहीं धो सकती हैं, तो बर्तनों को कमरे से बाहर गैलरी के किसी कोने में रखें। नंबर 7, बहुत सी महिलाएं रात को सोते समय बाल खोलकर सोती हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपकी ये आदत आपके पति का नुकसान कर सकती है। दरअसल बाल खोलकर सोने से आप में नकारात्मकता आने लगती है, जिससे पति एवं घर वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। नंबर 8, यदि सूर्यास्त के बाद आपके घर कोई दूध दही या सफ़ेद चीज मांगने आए, तो उसे भूलकर भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाएगी। इससे आपके घर में अशांति का भी माहौल हो सकता है। नंबर 9, घर से नकारात्मकता को दूर करने एवं पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी एक व दो कमरों में जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ एक कागज पर
थोड़ा सा सेंधा व काला नमक रख दी। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी से कुछ बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।